खुशामदी सभा के जाने आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक है। बस अम्मी को थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आज मैं दिखा देंगे, मुझे निकलना है, बस आधे घंटे में मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन शार लेंगे अभी भी आने वाला है क्योंकि रिजल्ट हो सकता है दिन तक वहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि कहते हमें भी आना है, लेकिन अभी मुझे जल्दी निकलना है क्योंकि आधे दिन तो वैसे निकल जाएगा। पहले स्टोर जाना है, आउटफिट सेलेक्ट करना है, फिर मेकअप होगा, फोटोशूट होगा, सारी चीजें जो भी होगी आपको बताएंगे। जैसे चलो रेडी हो जाते। आपने कब चुरा के कोल्ड ड्रिंक पी है? मैं कभी आज तक उम्र में जिंदगी में कभी नहीं मैंने पी। तो फिर क्यों सर्दी कर ली? सर्दी अपने हाथ का काम थोड़ा पता नहीं कैसे हो। अच्छा ठीक है, लेकिन हम एकदम चमक रही हो माशाल्लाह। तबियत खराब, मेरे चेहरे पे नूर आ गया। ये क्या बना रही हो? धनिया पत्ती तोड़ के रख रहे हैं। अच्छा लौकी बनाई। चलो हम आते हैं। ठीक है, तो मैं आगे ऊपर से कपड़े लेके, आधा सामान ऊपर आधा सामान नीचे, दिन भर ऊपर नीचे करना पड़ता है। जब नहीं था तो ऊपर जाना पड़ रहा था, अभी पूरा नीचे ही रह रही हूँ, ऊपर जा ही नहीं रही। ये वाला कुर्ता पहन रही हूँ, उसके साथ ब्लैक लेगिंग्स पहन रही हूँ, सबसे इजी रहता है। ब्लैक दुपट्टा ले लूंगी, काम खत्म। तो मैं जल्दी से नहा के आपसे मिलती हूँ। हेयर वॉश के लिए मैं यूज करूंगी मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू। ये पहले ज्यादा और ज्यादा इंप्रूव करके उन्होंने बनाया है। पहुंच गए हम लोग। जी फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं बाप और ये रही मदिया। आप पहले भी इनको ब्लॉग में देख चुके हैं और इनका कलेक्शन भी देख चुके हैं, लेकिन हमने उस वक्त ईद में किया था, थोड़ा सिंपल वाला। हम पूरा ब्राइडल रेंज देखेंगे, मैं भी अपने लिए कुछ चूज करूंगी, पहनूंगी भी और फोटोशूट भी करेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि अब तो कितनी बार फिर बने तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देख चुके होंगे, आप सबको पसंद ही आया होगा, लेकिन आप सबके मन में काफी सारे सवाल होंगे, रेंज क्या है, कैसा है, कौन सा कलेक्शन है, किस तरह से आप कब कहां से किस तरह ले सकते हैं। सारी चीजें जो यहाँ की मेन डिजाइनर है वो आपको बताएंगे। सबा, ये हमारे गाउन्स है, ये हमारा रूम है जहाँ पे हम एक्सक्लूसिव आउटफिट्स रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पास्टल रेंज है, इसमें आपको ट्रेल्स मिलेंगे, जाल दुपट्टा मिलेंगे, 3000 से स्टार्ट होती है जो कि 3 लाख तक जाती है। इसमें कारीगरी बहुत ही बारीक होती है, एंटीक वर्क रहता है, मल्टी कलर्स रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फाइनेस्ट जरदोजी काम रहते हैं और सारे दुपट्टों में आपको ब्यूटीफुल जाल मिलेगा। अभी आपने एक रेंज देख ली है जो आपको लग रहा होगा कि शायद किसी के लिए थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। अब कुछ रेंज ऐसी है जो बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा कम चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी इनके पास सब कुछ है। ये जो हमारी लहंगों की रेंज है, जो कि हम कस्टमाइजेशन में हमारा बहुत लोग मानते हैं हमें, एग्जांपल आपको देती हूँ। ये लहंगा आपको पसंद आया, ये जो लहंगा रहेगा, अगर आपको इसमें अगर फैब्रिक चेंज करना है, यू वांट एन ऑर्गेन्जा, यू वांट टिश्यू, अगर आपको रॉ सिल्क चाहिए, डुप्लियन सिल्क चाहिए, यू नेम द फैब्रिक, हमारी फैक्ट्री में सब कुछ मौजूद है। हम इसे ट्रांसफर करके आपको बना कर देंगे। डाउट है कि ये कलर पसंद आएगा नहीं आएगा, तो हम हमारे कोई भी क्लाइंट्स को बिल्कुल भी एक शॉक फेज में नहीं रखते। हम उनको स्वॉच बना के देते, हम एक नहीं दो स्वॉचेस बना के देते हैं और उनके लिए फिर बहुत कन्वीनियंट होता है। वैरायटीज इतनी सारी हम अवेलेबल है हमारे पास, पिज्जा की टॉपिंग सेलेक्ट करते हैं। वैसे आप लहंगा सेलेक्ट करो, फैब्रिक सेलेक्ट करो, दुपट्टा के वेरिएशन सेलेक्ट करो, प्लेसमेंट सेलेक्ट करो, इतना हम हमारे क्लाइंट्स का ध्यान रखते हैं। ये जो हमारा रेंज है, ये एक अलग ही ट्विस्ट है हमारे पूरे कलेक्शन में, जहाँ पे हमने सीक्वेंस भी दिल्ली से, जयपुर से, हम काफी जगहों से ऑल ओवर इंडिया सोर्स करते हैं, और ऑफ कोर्स वो तो इंटरनेशनली भी आती है बहुत सारी। सो इसमें भी हमारे पास लाइक इन पेस्टल्स में आप लहंगा बना सकते हैं, निकाह आउटफिट्स बना सकते हैं, कॉकटेल्स बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई लाइक टू शेयर विद यू ऑल। सेमी ब्राइडल, जिनको पाकिस्तान मदर इन लॉज है, चाचीज है, सिस्टर्स है, कजिन्स है, आप जितने भी बोल दो, या किसी और की शादी में आपको बहुत भाव दिखना है, सो ये सेमी ब्राइडल्स है जिनको हैवी पहनने का शौक रहता है, उनको हर चीज हैवी पसंद आती है। सो वी हैव एन एक्सक्लूसिव रेंज, लाइक वी हैव अराउंड 25 सैंपल्स फॉर दैट आल्सो व्हिच वी कीप अपडेटिंग। हम लंच करके नहीं निकले थे तो मदिया के हमने लंच किया और ये सैलेड उन्होंने बहुत ही अच्छा खिलाया था। एकदम पूरा फील आ जा रहा है, दुल्हन वाला मेहंदी भी लग रही है, इंस्टेंट वाली मेहंदी लगा रही है, जल्दी से हमारा काम हो जाए। अब पेचा क्या नाम है? हिना बहन। तो मेहंदी जैसे ड्राई होती है आप इसे स्टिकर की तरह निकाल सकते हैं। मेकअप भी स्टार्ट हो गया है, हमें 3 आउटफिट्स पहने हैं आज, तो हमने सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने चाय ब्रेक लिया, तुम्हारी चाय का है? अभी मेन काम हमें करना है, वीडियोस और फोटोज लेना है। फ्रेंड्स, एक अच्छे फ्रेम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप देखिए। यस, अच्छे आउटफिट्स को दिखाने के लिए सिर्फ आउटफिट्स की नहीं, मेकअप, लाइट्स, फोटोग्राफर सबकी जरूरत होती है। आउटफिट अच्छा होगा फिर उसके बाद जब मेकअप अच्छा होगा, अगर मेकअप अच्छा हो गया है तो लाइट्स भी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद फोटोग्राफर भी अच्छा होना चाहिए, तब पूरा लुक कंप्लीट निकल के आता है। फ्रेंड्स, अब ये लोग भी आ गए, काम कैसा हुआ था? अच्छा था। इतना थक के आए हो, लोकेशन नहीं मिल रही थी? नहीं, इतना ढूंढा घूमा, भले चलो चले, इधर मतलब भी नया नया है ना। ठीक है, मारवाड़ लुक विद। तो कभी नहीं सोचा कि मैं ये वाला लुक